दोस्तों, एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्पेशल पॉइंट्स और क्वेश्चंस जो कि संबंधित हैं आज कैपेसिटर से, इंडक्टर से और रजिस्टर से। इससे रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिलेगी और प्रत्येक प्रश्न बारीकी से समझाया गया है। बेटा, बने रहिए हमारे वीडियो पर। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जितेंद्र सर आप लोगों का एकता टेक्निकल कोचिंग में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो इस सेशन को प्रारंभ करने से पहले बेटा, हमारे वीडियो पर दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसके बाद थ्योरी से पोर्शन रहता है। तो आज के हमारे टू टेस्ट क्वेश्चन हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोध मापने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ देखेंगे केल्विन डबल ब्रिज, मेगर, व्हीटस्टोन ब्रिज और इसके बाद मैक्सवेल ब्रिज। इन प्रश्नों का जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। आप इन प्रश्नों को हमारे मैसेज बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। बेटा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है वो दिया गया है सह प्रेरकत्व, इसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? हे ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, हैवी साइड ब्रिज, हैवी साइड कैंपबेल ब्रिज अथवा एंडरसन ब्रिज। तो ये हमारे आज के दो क्वेश्चन थे, इनका जवाब आपको लास्ट में मिलेगा। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेटा, यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे पहले धारिता का मापन, और इसमें निम्न धारिता को सबसे पहले लिया गया है। धारिता को हम कैपेसिटी के नाम से जानते हैं और सी, जैसे हम निकालते हैं आवेश क्यू इक्वल टू सी वी, तो यहाँ से सी को कैलकुलेट किया जा सकता है। सी जो होती है ये धारिता या कैपेसिटी होती है, तो क्यू बाई वी हो जाएगा। यहाँ पर होता है आवेश बटे जो यहाँ पर क्यू आवेश है और ये आपकी टर्मिनल वोल्टता है, तो इन दोनों को डिवाइड करके हम कैपेसिटी की वैल्यू निकाल देते हैं। तो बेटा, यहाँ से जो प्रश्न है हमारा आज का ये है, निम्न धारिता को मापने के लिए हम शियरिंग ब्रिज का उपयोग करते हैं। जो शियरिंग ब्रिज आपका ये चित्र में है, अगर परीक्षा में आए तो आप इस चित्र को भी देख करके पहचान सकते हैं और मार सकते हैं। बेटा, आज का हमारा इस सेशन का बताने का मूल तात्पर्य यही है कि किस यंत्र के द्वारा हम कौन सा आइटम माप सकते हैं और उसके नाम क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, धारिता कौन सी? मध्यम धारिता। अभी आपने क्या पढ़ा था? निम्न धारिता। निम्न धारिता को मापने के लिए आपने किसका उपयोग किया था? शियरिंग ब्रिज का, ध्यान देना। और अब है आपका मध्यम धारिता, मीडियम कैपेसिटी। मध्यम धारिता को मापने के लिए डिसाउटी ब्रिज होता है बेटा, डिसाउटी ब्रिज का उपयोग करते हैं, जबकि उच्च धारिता को मापने के लिए वीन सेतु का उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपको जो ये सेतु दिखाया गया है ये वीन सेतु है। वीन सेतु का चित्र आप पहचान सकते हैं, इसमें दो कैपेसिटर और बाकी फोर रजिस्टर लगे होते हैं। इसको अच्छे से अपना पहचानेंगे और बीच में एक वे होता है, यहाँ पर हम डिटेक्टर यूज करते हैं। बेटा, जो आपके शियरिंग ब्रिज, डिसाउटी ब्रिज, बीन ब्रिज, ये सभी ब्रिज हैं जिनमें फ्रिक्वेंसी रेजिस्टेंस कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, या फिर आर एल सी तीन में से किसी दो का अगर उपयोग किया जाता है तो बेटा कौन से? एसी ब्रिज होते हैं। और अगर किसी भी ब्रिज में केवल रेजिस्टेंस का उपयोग किया गया है तो वो बेटा डीसी ब्रिज होता है। ठीक है, याद रखेंगे। एक बार फिर से बताते हैं, यदि किसी ब्रिज में कोई भी अगर आपको ब्रिज मिलेगा तो उसमें आर एल सी में से कोई भी दो आइटम अगर आपको मिले तो उन दोनों आइटम में से, जैसे मान लो आर एल मिल गया या आर सी मिल गया या फिर ये तीनों मिल जाएं आर एल सी, तो ये एसी ब्रिज को दर्शाते हैं। जबकि जिस ब्रिज में केवल आर अकेला, प्रतिरोध अकेला दिखाई देगा तो बेटा डीसी ब्रिज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर प्रेरकत्व का मापन। तो धारिता आपने जानी कि मीडियम, सबसे पहले निम्न, उसके बाद मध्यम, उसके बाद उच्च। ठीक है, अब इसके बाद प्रेरकत्व का मापन देखते हैं। जो प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व हम किसके द्वारा माप सकते हैं? कभी कभी पूछ देता है कि अज्ञात प्रेरकत्व को मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं या किस ब्रिज का उपयोग कर सकते हैं। तो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हम निम्न से चलते हैं। जो निम्न प्रेरकत्व होता है इसको हम एंडरसन ब्रिज के द्वारा मापते हैं, और निम्न प्रेरकत्व का जो क्वालिटी गुणांक होता है या क्वालिटी फैक्टर होता है ये 5 से कम होता है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे ये 5 से कम होता है। जबकि
मध्यम प्रेरकत्व में, मीडियम इंडक्टेंस में मैक्सवेल ब्रिज के द्वारा मापा जाता है इसको, और इसका जो क्वालिटी गुणांक होता है ये बेटा 10 और 5 के बीच में रखा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। जबकि उच्च प्रेरकत्व हाई इंडक्टेंस को देखेंगे तो हाई इंडक्टेंस का मापन जो है हे ब्रिज के द्वारा करते हैं। उच्च प्रेरकत्व मापन के लिए हे ब्रिज का उपयोग किया जाता है। इसकी रेंज जो होती है ये आपकी 10 से अधिक रखी जाती है। तो यहाँ बेटा जो Q होगा इसका वैल्यू 10 से अधिक होगा, ये रॉन्ग। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। जो आपने अभी तीन ब्रिज के बारे में देखा, एंडरसन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज और इसके बाद हैवी साइड या हे ब्रिज, तो ये हे ब्रिज है, मैक्सवेल ब्रिज है और एंडरसन ब्रिज है। जो हम यहाँ इंडक्टेंस का मापन करते हैं इसके द्वारा लो इंडक्टेंस होता है, इसके द्वारा मीडियम इंडक्टेंस और इसके द्वारा हाई इंडक्टेंस का मापन करते हैं। बेटा याद रखेंगे इनके नाम और इनके कारनामों के साथ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रेरकत्व का मापन के लिए इस संबंध में कुछ और भी विशेष पॉइंट हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि सह प्रेरकत्व, तो सह प्रेरकत्व को बेटा सबसे पहले जानिए स्मॉल एम के द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि केवल प्रेरकत्व को कैपिटल एल के द्वारा दर्शाया जाता है। सह प्रेरकत्व ये होता क्या है, सबसे पहले इसको जानिए। तो यहाँ मान करके चलिए कि कोई अगर दो कुंडलियाँ पास पास में रखी हैं, एक कुंडली को अगर धारा सप्लाई प्रदान की जाती है तो दूसरी कुंडली में जो सप्लाई होती है फ्लक्स के माध्यम से स्वतः ही चली जाती है, तो इस स्थिति को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं और इस स्थिति को म्यूचुअल इंडक्टेंस के नाम से जाना जाता है। जबकि सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है, कोई एक कुंडली है तो एक कुंडली में जब हम सप्लाई देंगे तो इसी में से निकल करके और इसी में वो प्रवेश करे, अर्थात वो एक ही कुंडली में पूरा कार्य हो फ्लक्स का, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस होता है। सेल्फ इंडक्टेंस के आधार पर कार्य करने वाली डिवाइस आपकी जो है वो चोक होती है और होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। जबकि म्यूचुअल इंडक्टेंस की सिद्धांत पर कार्य करने वाला जो डिवाइस होता है ये होता है बेटा ट्रांसफार्मर, याद रखेंगे। और कौन सा ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर छोड़ करके हम द्वि कुंडलन या उससे अधिक कुंडलन की बात करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है सह प्रेरकत्व, शायद समझ गए होंगे। जो सह प्रेरकत्व होता है ये हैवी साइड कैंपबेल ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। यहाँ जो आप ये चित्र देख रहे हैं ये हैवी साइड कैंपबेल ब्रिज है। इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे, परीक्षा में चित्र बहुत पूछे जाते हैं तो इनमें से हो सकता है कि कोई फिगर आपके पेपर में आ जाए। बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो शेयर नहीं करते हैं, लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारे बेटा स्टूडेंट बढ़ेंगे, जब स्टूडेंट की संख्या बढ़ेगी तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो शेयर जरूर कर दिया करें। तो बेटा यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अज्ञात प्रेरकत्व, मतलब एल, अज्ञात प्रेरकत्व को मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करेंगे। बेटा ओवेन्स ब्रिज का उपयोग करते हैं। यहाँ से जितने ही अभी मैंने ब्रिज बता दिए आपको, 7 ब्रिज आपको बताए हैं, इन 7 ब्रिज जो 7th ब्रिज बताए हैं, इन 7th ब्रिज में से कम आपके पेपर में 2 क्वेश्चन हर बार फंसते हैं, इस बार कोई नई बात नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और विशेष भी है। अब चलते हैं रजिस्टेंस पर, बेटा प्रतिरोध पर चलते हैं। तो इसमें निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए हम केल्विन का दोहरा सेतु और विभव मापी का उपयोग करते हैं। तो बेटा जहाँ पर ये पहला नंबर चित्र देख रहे हैं ये केल्विन का डबल ब्रिज है, याद रखेंगे ये केल्विन का डबल ब्रिज है और इसके द्वारा हम प्रतिरोध का मापन करते हैं। और जो 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 प्रतिरोध होता है ये कौन सा होता है बेटा, निम्न प्रतिरोध होता है। जो निम्न प्रतिरोध होता है ये कहाँ पर होता है, तो याद रखेंगे जो आर्मेचर की कुंडलियाँ होती हैं इसमें प्रतिरोध का मान 1 ओम से भी कम होता है। जहाँ पर 1 ओम से कम रेजिस्टेंस होगा, जैसे कि आर्मेचर की कुंडलियाँ, वहाँ पर उन सभी स्थानों पर जहाँ पर प्रतिरोध 1 ओम से कम होगा उन सभी प्रतिरोधों को मापने के लिए हम किसका, केल्विन सेतु का उपयोग करते हैं। तो यहाँ बेटा जो ये चित्र दिखाया गया है ये केल्विन सेतु का ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें मध्यम प्रतिरोध का मापन करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज और एमीटर वोल्टमीटर विधि का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, एमीटर वोल्टमीटर विधि का भी उपयोग करते हैं। यहाँ पर आप जो सेकंड चित्र देख रहे हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज का चित्र दिखाया गया है। बेटा एक बात और याद रखना, रेजिस्टेंस को मापने वाले जो डिवाइस हैं यहाँ पर केल्विन का दोहरा सेतु और व्हीटस्टोन सेतु और ये मेगर जो हैं, ये सभी के सभी डीसी डिवाइस हैं, याद रखेंगे। इनमें सभी में बैटरियाँ स्वयं की होती हैं, इनमें बैटरियाँ लगानी पड़ती हैं तब ये कार्य करते हैं, इनको विद्युत सप्लाई की, बाहरी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है।
बेटा जो मध्यम प्रतिरोध होता है, मध्यम प्रतिरोध 1 ओम से 0.1 मेगा ओम तक होता है और इसका मापन हम व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा कर सकते हैं। जबकि उच्च प्रेरकत्व जो होता है, जो उच्च प्रेरकत्व होता है, उच्च प्रेरकत्व का मापन हम किसके द्वारा कर सकते हैं, जो उच्च प्रेरकत्व सॉरी उच्च रेजिस्टेंस जो होता है, हाई रेजिस्टेंस का मापन हम किसके द्वारा कर सकते हैं, मेगर के द्वारा। यहाँ आप जो चित्र देख रहे हैं ये बेटा मेगर है, मेगर में एक हैंडल होता है, इस हैंडल की गति जो है हम कितनी रखते हैं, 160 RPM रखते हैं, इसको भी याद रखना, 160 RPM हैंडल की गति रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेगर है उच्च प्रतिरोध का मापन करेगा, उच्च प्रतिरोध की रेंज कितनी होती है बेटा याद रखेंगे, 0.1 मेगा ओम जो होता है, ठीक है ना, 0.1 मेगा ओम से ऊपर हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। और हाई रेजिस्टेंस आपका कहाँ होता है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हम रेजिस्टेंस का चेकिंग करते हैं किसके मध्य, बाइंडिंग और बॉडी के मध्य, या बॉडी या पृथ्वी के मध्य, जब हम इस प्रकार का या घरेलू वाइंडिंग का जो वायरिंग करते हैं उसका हम जब चेकिंग करते हैं या टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है। बेटा एक बात हम और आपको बता दें, जो मेगर के द्वारा जब हम रेजिस्टेंस का चेकिंग करेंगे, जब ये मेगर का जो संकेतक होता है, इंडिकेटर होता है, इनफाइनाइट पर रहेगा, जब मेगर का संकेतक जो होता है वो इनफाइनाइट पर रहेगा तो बेटा यहाँ पर अनंत प्रतिरोध को दर्शा रहा है, अर्थात परिपथ में कौन सा परिपथ है, ये खुला परिपथ की पोजीशन है। अगर इसका जो मेगर है, मेगर का जो संकेतक होता है ये अगर जीरो पर चला जाए, जब ये मेगर का संकेतक जीरो पर जाएगा तो उस स्थिति में बेटा जो आपका जो मेगर होगा ये जिस परिपथ से जुड़ा है वो परिपथ लघु परिपथ है। एक बात और आपको बता दें, जो मेगर होते हैं तो मेगर में यहाँ पर 3 पॉइंट दिए जाते हैं, एक इसमें कॉमन होता है, एक एल होता है और एक आपका ई होता है, याद रखेंगे। इसमें से जो यहाँ पर लीड ये पड़ी हुई दिखाई दे रही है, इस लीड को बेटा प्रोब लीड कहा जाता है, याद रखेंगे इसका नाम, इसको प्रोब लीड कहा जाता है। यहाँ पर जो ये आप फिगर देख रहे हैं इस साइड में, ये फिगर आपका किसका है, इसी मेगर की आंतरिक संरचना है। बेटा मेगर से रिलेटेड वीडियो अभी मैंने नहीं बनाया है, मेगर से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट से जितने भी वीडियो बन सकते हैं मैं अधिक से अधिक वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। बेटा याद रखना यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है ये आपकी 0.1 ओम नहीं है, 0.1 मेगा ओम है, ये मैक्सिमम जो अधिकतम या उच्च प्रतिरोध होता है इसकी वैल्यू यहाँ से प्रारंभ होती है और अधिक तक चली जाती है। एक बात और याद रखेंगे, जो आपका मेगर होता है ये वोल्टेज क्षमता के आधार पर आता है, इसमें जो है मिनिमम 500 वोल्ट का मेगर आता है और मैक्सिमम जो है 3000 वोल्ट का आपका मेगर जो है वो आता है। हम 500 वोल्ट का उपयोग घरेलू वायरिंग टेस्टिंग के लिए करते हैं, मेगर के अंदर एक डीसी संट जनरेटर होता है, ठीक है याद रखेंगे, डीसी संट जनरेटर होता है और इसके हैंडल को जब घुमाते हैं तो इसकी गति को हम 160 RPM रखते हैं और ये स्थायी गति से चलने वाला होता है और डीसी सप्लाई का स्वतः ही जनरेशन करता है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ देखते हैं एग्जाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यहाँ बेटा अर्थ प्रतिरोध जो होता है, इसको अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए हम भू परीक्षक या अर्थ टेस्टर का उपयोग करते हैं। बेटा अर्थ प्रतिरोध की जो रेंज होती है, ठीक है ना, अर्थ प्रतिरोध की जो रेंज होती है ये 0 ओम से 5 ओम के मध्य होती है, जबकि जो कुंडलियों का प्रतिरोध होता है इसका मापन हम मेगर के द्वारा करते हैं। अभी अभी मैंने बताया था कुंडलियों का, एक कुंडली से दूसरी कुंडली में या फिर कुंडली और बॉडी के बीच या फिर बॉडी और पृथ्वी के बीच अगर हमको रेजिस्टेंस का मापन करना होगा तो हम मेगर का उपयोग करते हैं। उच्च प्रतिरोध या अति उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए हम मेगर का उपयोग करते हैं। वायरिंग और वाइंडिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है वायरिंग और वाइंडिंग की जांच के लिए बेटा हम मेगर का ही उपयोग करते हैं, जबकि भू प्रतिरोध कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, चारकोल और साल्ट, जो साल्ट होता है नमक होता है इसका घोल, नमक का घोल पानी के साथ घोल लेते हैं, नमक का घोल और चारकोल का उपयोग करते हैं, जिससे पृथ्वी में जब डालेंगे तो जहाँ पर आपने अर्थ बनाया होगा उसमें यह अर्थिंग जो है वो और अच्छा प्रदान करेगा, अर्थात ये जो परिपथ आपके प्रचालित हो रहे होंगे उसको सही अर्थिंग मिलेगा, जब अर्थिंग सही मिलेगा तो सभी सर्किट सही से कार्य करेंगे। या फिर हम कह सकते हैं अगर कोई फॉल्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया और आपके दीवार में या किसी वायर में अगर सप्लाई उतर रही है तो सप्लाई को कंटिन्यू खींचने का कार्य करेगा, ठीक है बेटा। यहाँ आप देख सकते हैं संस्थानों के लिए प्रतिरोध की जो मापन होती है वो क्या क्या होती है, या जो मापने के बाद जो रेंज होती है वो क्या क्या होती है। बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन
लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। यहाँ देखेंगे लघु संस्थानों में जो प्रतिरोध होता है बेटा एक ओम से दो ओम के बीच होता है, जबकि बड़े संस्थानों में जो रेजिस्टेंस होता है 0.5 से एक ओम के मध्य होता है, और जो सब स्टेशन होते हैं इनका एक ओम से कम होता है, जो रेजिस्टेंस रहेगा एक ओम से कम रहेगा, जबकि जो आपके तार स्थापन संस्थान है इसका रेजिस्टेंस जो लेते हैं भू का अर्थ का रेजिस्टेंस जो लेते हैं, ठीक है यहाँ याद रखना ये आपका भू प्रतिरोध बता रहे हैं, ठीक है ना, जो भू प्रतिरोध लिया जाता है यहाँ ये 2.5 से 5 ओम तक रहता है, ठीक है बेटा याद रखना। यहाँ जो ये सभी के सभी रेजिस्टेंस दिए गए हैं ये कौन से प्रतिरोध हैं, भू प्रतिरोध हैं, ठीक है भू प्रतिरोध। जैसे मान लीजिए कि सब स्टेशन है या विद्युत उत्पादन केंद्र है, तो अगर सब स्टेशन है या विद्युत उत्पादन केंद्र है तो ये बड़े संस्थान आते हैं और इनका रेजिस्टेंस 0.5 के आसपास रखा जाता है, ठीक है बेटा। चलिए जो आज के हमारे दो प्रश्न थे उन दोनों प्रश्नों का जवाब आपके सामने है बेटा, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रतिरोध को मापने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, तो बेटा मैक्सवेल जो होता है ये इंडक्टेंस मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसको हम याद कैसे रखेंगे, एक थोड़ा सा संदेश है हमारा MIM लिखेंगे तो इससे आपको पता चलेगा मैक्सवेल जो ब्रिज होता है ये मीडियम इंडक्टेंस का मापन करता है, ठीक है। या हम यहाँ से कह सकते हैं कि MIM जब लिख रहे हैं तो ये मीडियम इंडक्टेंस हो गया, इसका मापन मैक्सवेल ब्रिज के द्वारा किया जाता है, जबकि HIH लिखेंगे तो हाई इंडक्टेंस के मापन के लिए हम हे ब्रिज का उपयोग करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा था सहप्रेरकत्व का मापन करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं, तो बेटा याद रखना लाइफ टाइम हैवी साइड कैंपबेल ब्रिज का उपयोग सहप्रेरकत्व के लिए मापन के लिए करते हैं। सहप्रेरकत्व मतलब म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है ये किस में होता है बेटा, ट्रांसफार्मर में होता है, याद रखेंगे। और हमारे पिछले वीडियो के जो दो प्रश्न हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप बहुत बारीकी से देख सकते हैं। पिछले वीडियो में सर्विसमैन से संबंधित और फीडर डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विसमैन से संबंधित था, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप हमारे इंड स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उस वीडियो को भी पूरा देखें। जितने हमारे वीडियो हैं आपको सभी टॉप ग्रेड के वीडियो मिलेंगे, एक भी वीडियो हमारा ऐसा नहीं रहेगा जिससे आपके परीक्षा में क्वेश्चन ना फंसे। कम समय का वीडियो बनाया जाता है फिर भी बेटा उसमें इतना कॉन्टेंट रहता है कि आपकी परीक्षा में 100% क्वेश्चन जरूर फंसेगा। बेटा हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि हम किसी का समय बर्बाद करवाएं, हमारा ये टारगेट है कि आप अगर हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं तो हम भी समय निकाल करके लिए आप लोगों की भलाई के लिए हम कुछ ऐसे टॉपिक डालें इसमें जिससे कि आप लोगों की परीक्षा 100% एक ही बार में क्लियर हो जाए। बार बार दोहराने से तो अच्छा है एक बार अच्छे गुरु और अच्छी पुस्तकों का उपयोग कर लिया जाए, जो सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए तो बार बार हमको नहीं दौड़ना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पर जो हमारे पिछले वीडियो के जो दो क्वेश्चन हैं ये हम प्रतिदिन सॉल्व करते हैं, और हमारे प्रत्येक वीडियो में आपको ये 4 और 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो बेटा सर्विसमैन जो होता है, सर्विसमैन निम्न में से किसके मध्य स्थापित किया जाता है, तो सर्विसमैन जो होता है बेटा मीटर बोर्ड व द्वितीयक वितरक के मध्य में स्थापित होता है। मीटर बोर्ड मतलब एक जो खंभा जो 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 मकान बना हुआ है, मकान के अंदर एक, यहाँ पर मकान के बाहर पर एक, यहाँ पर एक बना हुआ है बोर्ड आपका, इसी पर मीटर लगा हुआ है, और घर के पास में ये पोल लगा हुआ है, यहाँ से एक जो वायर आया है इस वायर का नाम बेटा सर्विसमैन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था ये था प्राथमिक संवरक, इसको संवरक को बेटा फीडर भी कहा जाता है, ठीक है ना। उच्च वोल्टता संवरक जो होते हैं इनका इनके लिए कौन सा सत्य नहीं है, तो याद रखेंगे जो फीडर होते हैं उच्च प्राथमिक फीडर होते हैं ये बेटा 765 यहाँ देखेंगे 765 केवी जो है इतनी सप्लाई से लेकर के 400, 220 और 132 यहाँ तक और 66 तक जाते हैं बेटा, तो ये सभी जो वोल्टताएँ आपको मैंने बताई हैं 765, 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी और 66 केवी, ये सभी आपकी प्राथमिक संवरक या प्राइमरी फीडर के अंतर्गत आती हैं, जबकि आपका 33 केवी द्वितीयक फीडर का भाग है। तो हम यहाँ कह सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर जो बनेगा ये कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 2, याद रखेंगे। तो बेटा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर माय वाचिंग, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, वंदे मातरम।